आइए हम अपनी जीवन यात्रा की ओर चलें। स्वयं सुरती का दीप जलाएं, अपने भीतर के अंधेरों को दूर कर लाएं। अंतस की यात्रा पर उतर करके हम अपनी शांति, सुख, आनंद, मस्ती को उपलब्ध कर लाएं। आप सबको हम मेडिटेशन के लिए निमंत्रित करते हैं। ध्यान अंतस का भीतर का, जिसने भी पिरोया वही सुखी और आनंदित होकर कीजिए। निमंत्रण दिया जा रहा है अंतस ध्यान को, मेडिटेशन को। इस रिट्रीट में आप सब भीतर की यात्रा पर उतरें। जीवन यात्रा है यह, जन्म के पश्चात मृत्यु का आरंभ होता है। जन्म के साथ जीवन नहीं, जन्म के साथ मृत्यु आई है। जन्म और मृत्यु के दो छोर के बीच में जीवन छलकता है। अंतरात्मा में, अंतस यात्रा में, अंतस के अस्तित्व में निरंतर छलकता है वो विराट। उसका मिलन भीतर ही होता है, बाहर नहीं। बाहर आज तक किसी को नहीं हुआ, चारों युगों में नहीं हुआ। उससे मुलाकात भीतर होती है, उसका मिलन भीतर होता है। वो हम सबके भीतर बराबर विराजमान है। वो हमारे हृदय द्वार पर छलकता है। जो भी मन से हृदय की ओर चला, बुद्धि से हृदय की ओर चला, माइंड से मास्टर की ओर चला, उनके नसीबों में आनंद ही आनंद छा गया। स्वास्थ्य, शांति, सुख, आनंद बाहर नहीं मिलता। बाहर से जो भी इंपोर्ट करता है वो सदा नहीं रहता। बाहर से मिला हुआ सुख शांति निर्भर करता है अनेकों साधनों पर, जो सदा सदा नहीं रहते। भीतर से मिला हुआ सदैव रहता है। वो किसी पे निर्भर नहीं है, किसी पे आधारित नहीं है। वो तेरा अपना है। अपनी अंतरात्मा से, अपनी अंतस्तल से, अपनी हृदय द्वार से उपलब्ध होता है। वो सदैव रहता है। स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण जीवन की आभा तेरे भीतर छलकती है। जो वस्तु भीतर मिलती हो उसे भीतर ही खोजना चाहिए, और जो बाहर मिलती है उसे बाहर खोजना चाहिए। अगर हम पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा बाहर खोजते हैं तो पीस ऑफ माइंड बाहर मत खोजना। पीस ऑफ माइंड भीतर खोजना, वो भीतर मिलता है। धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, बढ़ाई, ये सब बाहर मिलता है। बाहर जो प्राप्त होता है उसे बाहर साधन मात्र समझ करके अपनी साधना की ओर चलना, जिससे तुझे अपने ही भीतर सदा रहने वाला सुख, आनंद, मस्ती, बेप्रवाही का आलम, एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत हाथ लगता है, जिसे प्राप्त करके इंसान सदा स्वस्थ रहता है, हर हालात में सुखी रहता है, हर हालात का मालिक होकर जीता है। वो हर हालात में प्रसन्न चित रहता है। उसे मालूम है कि हालात आते जाते हैं, सदा रहने वाले नहीं। हालात गेस्ट, अतिथि के रूप में आए, उसके पास स्वीकार की भावना होती है। वो है एकमात्र जीवन,
जो जन्म के पश्चात खोजा जाता है, उपलब्ध किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, जिसकी तलाश भीतर होती है। मृत्यु के आने से पहले पहले जिसने अपनी जीवन ज्योत को, आत्म ज्योत को जगमगा लिया, अपने भीतर के अंधेरों को दूर कर लिया, मन के पर्दों को थोड़ा हटा करके देख लिया, थोड़ा मन से हटकर के अपना आप जान लिया, वो इस धरती पर स्वर्गमय जिंदगी जीता है। वो इस धरती के हालात में, हालात बाहर कैसे भी हो, वो सदा आनंदित, स्वस्थ, प्रेम पूर्ण जीता है। ये खजाना हम सब के भीतर बराबर है, हम इसको भीतर ही खोजें। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ये तमाम एक्सरसाइजेज हैं, इनसे प्राप्त होने वाला सुख बहुत टेम्परेरी है, बहुत थोड़ी देर का है। लगातार यहीं तक रह जाना, भीतर के अस्तित्व को कभी भी अंधेरों से मुक्त नहीं कर सकता। जब तक हमारे भीतर के अपने अंधेरे नहीं विदा होंगे, मन के अंधेरों से हम आजाद नहीं होंगे, तब तक हमारे पास स्वास्थ्य, शांति, सुख, आनंद, प्रेममय जीवन हाथ नहीं लग सकता। ये संपदा भीतर मिलती है, ये धन भीतर है, बाहर नहीं। बाहर बाहर के धन को खोजा जाता है और भीतर भीतर के धन को खोजा जाता है। मेडिटेशन है भीतर का प्रवाह, डायरेक्ट अप्रोच है यहां अपने माइंड के प्रति, जो अनेकों रोगों का घर है, अनेकों प्रकार की नेगेटिविटी का घर है, जो अनेकों प्रकार की द्वंद्व, द्वैत, डुअलिटी का घर है। इस माइंड के अंधेरों से अपने आप को आजाद कर लेना मेडिटेशन कहलाता है। हमें माइंड को नहीं हटाना, माइंड से हटना है, हमने स्वयं हटना है। मैं माइंड नहीं हूं, मैं माइंड को देखने वाला दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अकर्ता हूं, एकमात्र शिवनेत्र हूं। मैं स्वयं थर्ड आई हूं, मैं स्वयं शिवनेत्र हूं, मैं स्वयं तीसरी आंख हूं, जिसके प्रति मैंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी महिमा को मैंने समझा नहीं, जिसका मुझे कोई ज्ञान भान नहीं, जिसमें उतरने का मुझको कोई किसी प्रकार का भी मार्गदर्शन नहीं, कोई दिशा नहीं। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि कस्तूरी कुंडल बसे भीतर है और उस हिरण रूपी पशु की तरह बाहर ढूंढता है, बाहर भागे फिरता है। जो बाहर मिलता है उसके लिए बाहर ही भागना चाहिए, जो भीतर मिलता है उसको भीतर, अपने ही भीतर ढूंढ लेना, अपने भीतर तलाश लेना, अपने भीतर डिस्कवर कर लेना बुद्धिमता है, विजडम है, यही तेरी प्रूडेंस है, यही तेरा विवेक है। मेडिटेशन है विवेक, विजडम भीतर की। हम उसके लिए निमंत्रित करते हैं, आप मेडिटेशन में उतरिए, आपके पीछे मस्ती, आनंद एक छाया की तरह चली आएगी। जैसे हम आपको निमंत्रण दवाएं किसी प्रकार की फंक्शन पर, किसी प्रकार के आयोजन पर, तो हम आपकी परछाई को स्पेशल कोई इनविटेशन नहीं देते हैं, इनवाइट नहीं करते। मालूम है कि तुम्हारे आने पर छाया अपने आप चली आएगी, मालूम है तुम्हारे आते ही तुम्हारी परछाई, तुम्हारी शेडो साथ साथ चली आएगी। वो तुमसे भिन्न नहीं है और तुमसे अलग नहीं है। आप परिवार के हेड को, मुखिया को इन्वाइट करते हो किसी प्रकार के आयोजन में, तो समझिए आपने सारे परिवार को इनवाइट किया। नाम तो तुम हेड का ही लिखते हो, परिवार के मुखिया का लिखते हो, सारा परिवार चला आता है। ठीक इसी तरह मेडिटेशन में, अंतर्ध्यान में, जो जो तुम उतरते चले आओगे, तमाम ह्यूमन क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज
अपने आप शैडो की तरह साथ साथ चले आएंगे। मस्ती, आनंद, सुख, शांति, वैभव, भीतर का प्रकाशमान, बैलेंस, ब्लेस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कंटेम्पलेशन पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर, रिलैक्सेशन, ईज एंड इक्वानिमिटी, हार्मनी, पीस ऑफ माइंड, पीसफुल नेचर, एनर्जेटिक, जॉयस, गेफुल लाइफ, एवर फ्रेशनेस। अपने आप ये क्वालिटीज तेरे भीतर डेवलप करती है, अपने आप चली आती है। मन से स्वतंत्र हो जाने की प्यास, मन से आजाद होकर के रहने की प्यास, सुपर साइंस, एकमात्र परम विज्ञान जिसके पीछे पीछे सब क्वालिटीज अपने आप चली आती है, वो सब तेरे भीतर है, बाहर नहीं। आइए उसी को उपलब्ध करने के लिए हम भीतर चले, अपने ही स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए, अपने ही स्वरूप की पहचान के लिए, अपने आप को जानने पहचानने के लिए, अपने से मुलाकात करने के लिए, अपने मन से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। ये डायरेक्ट अप्रोच है मेडिटेशन। इसमें माइंड को फोकस नहीं करना होता, माइंड को डायरेक्ट वॉच करना होता है। माइंड से हट करके माइंड को देखना, विचारों से हट करके विचारों को देखना, विकारों से हट करके विकारों को देखना। पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंड, माइंड इन द पास्ट, माइंड इन द फ्यूचर, इन तमाम अवस्थाओं को देखना जाके जाके। ये मन की अवस्थाएं, ये मन की एकमात्र क्वालिटीज हैं, ये मन की नेचर है। हमें उससे हट करके इसको देखना, जानना, पहचानना है। माइंड से हट करके माइंड को डायरेक्टली देखना ही मेडिटेशन है, ना कि माइंड को कहीं फोकस करना, किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस करने की बात मेडिटेशन नहीं है। कोई भी टेक्निक, मेथड आप अपनाते हैं मेडिटेशन के नाम पर, वो मेडिटेशन नहीं है। प्रेमियों, भक्तों, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। मेडिटेशन इज नॉट ए कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन में उतरिएगा, कंसंट्रेशन पावर अपने आप चली आएगी। अगर तूने माइंड को फोकस करके कंसंट्रेशन गेन किया, तो वो कंसंट्रेशन तेरे भीतर के अंधेरों को दूर नहीं कर सकेगी। वो तेरे डिप्रेशन को, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैनिक, एंग्जाइटी जैसे लक्षणों को विदा नहीं कर सकेगी। वो सब सिम्पटम्स हैं तेरी बहिर्मुखी जिंदगी के, वो सब सिम्पटम्स हैं तेरे माइंड की बीमारी के। माइंड इटसेल्फ इज ए डिजीज। हमें इससे स्वतंत्र होकर के थोड़ी देर रहना है। हम अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने ट्रू नेचर में, अपनी एकमात्र सुक्ति द्वार पर, अपने शिवनेत्र में, अपने अस्तित्व में थोड़ा रहना है। ये रहना तेरी आबादी है। अगर बचपन से ही कोई दिशा मिल जाए, तो इंसान सारा जन्म भर अपनी प्रकाशमान स्थिति में, स्टेट ऑफ एक्सटेसी में, स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, स्टेट ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन में कर्मशील रहता है, सदा आनंदित रहता है, स्वस्थ रहता है। अगर ये सौदा बचपन में नहीं मिला, अगर ये दिशा नहीं मिली,
तो जब भी जिस अवस्था में मिल जाए इसको खोज लेना, तलाश लेना, डिस्कवर कर लेना, अवसर चूकना नहीं। मिले हुए अवसर में अपना आविष्कार करना, अपने अस्तित्व का आविष्कार करना, सब ओर से अवकाश लेकर के भी आविष्कार करना, मिली हुई वाइब्रेशन ऑरा में, मिले हुए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, संगति में, सानिध्य में, वाइब्रेशन के आलम में उतर करके उपलब्ध कर लेना जिंदगी तेरी आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण गुजरेगी। बेप्रवाही के आलम में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा के मालिक हुए तम हर कदम तरोताजगी में बहुत आनंद मगन होकर के गुजारोगे। बाहर की कर्मशीलता में कमी नहीं आएगी। बाहर की दौड़ द्वंद्व भले कितना भी बना रहा है, तेरा भीतर सदा सुखद, आनंदित, शांतमय रहेगा। ये सुपर साइंस एक बात तेरा परम धन, परम संपदा है, तेरा जीवन है। जिस दिशा की ओर तूने पांव नहीं रखा, तूने कभी महत्व नहीं दिया, तूने बार बार महत्व दिया, अपने भीतर का पहलू तूने इग्नोर किया, तूने स्पिरिचुअल टच नहीं रखा, जिसके कारण इंसानी जिंदगी दुखपूर्ण जी जाती है। तूने अपना भीतर नहीं संभाला, बाहर बहुत संभाला, बहुत संभाला, आखिर मौत ने आकर के सब लूट लिया, सब ओर से खाली करके वापस भेज दिया। किंतु जिन्होंने भीतर भी संभाला, बाहर के साथ साथ जिन्होंने भीतर भी संभाला, वो भरपूर हाथ रहा, भरपूर हाथ लौटा, भरपूर हाथ जिया इस धरती पर। जिसने भीतर संभाला, जागना ही जीवन है। आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर बढ़ते चले, बाहर की दोनों पलकों से थोड़ा अवकाश ले लें और अपने आविष्कार में उतरते चले जाएं। थर्ड आई का आविष्कार करें, थर्ड आई को जगमगाएं। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपकी 80% ऊर्जा शक्ति, आपकी 80% एनर्जी भीतर की ओर बहने लगती है। बाहर का भटकाव दाएं बाएं का नहीं रहता, 80% एनर्जी आपकी सेव होती चली जाती है और आप भीतर की आंख में उतरते चले जाते हैं। बहुत सहज में दोनों पलके मूंदते ही आप भीतर की ओर देखने लगते हैं। आप देख ही रहे हैं, बहुत नेचुरल वे में देख रहा है। आपका देखना शुरू हो गया, आपका ध्यान भीतर की ओर चला, आपकी सुरती भीतर की ओर, आपकी अवेयरनेस भीतर की ओर एकदम उतरी। आपकी मुलाकात अंधेरों से हुई, आपके सामने अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा है। आप उसी को देखते रहना, आप स्वयं देखने वाले हैं। यू योर सेल्फ इज थर्ड आई। थर्ड आई इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी, यू योर सेल्फ इज सीयर विटनेस एंड ऑब्जर्वर। यू आर अ नॉन डूअर, यू आर एन एनलाइटेंड वन। तुम प्रकाशमान स्वरूप हो, तुम देख रहे हो, भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है। बहुत शांत मन मुदित भाव में देखते रहना, केवल देखना, जोर ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े, बहुत सहज में जैसे बाहर की आंखों से बाहर को देखते हो, ठीक नेचुरल वे में। बाहर की पलके मूंदा और देखना शुरू हुआ।
वही देखना जो अपने आप स्वतः दिखाई दे रहा है, जो अपने आप दिखाई देता है वही देखना। विचार है, विकार है, विकल्प है, वृत्ति है, अंधेरा है, सन्नाटा है, थॉट्स का ट्रैफिक चलता है, बहुत चहल पहल है विचारों की भीतर के अंधेरों में। आज सुबह से शाम तक जो भी किया सब सामने आ रहा है, सारा डस्ट जो भीतर इकट्ठा हुआ है वो उठ उठ करके सामने आएगा। आज का किया हुआ सर्वप्रथम सामने आएगा, कल परसों चौथ का किया हुआ आएगा, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर भीतर पड़ा है, आपने भीतर उसके इम्प्रिंट्स पिरोए हैं। जो जो तूने बाहर किया है वो भीतर इकट्ठा हो गया। आप भीतर इकट्ठी हुई डस्ट को विदा करना, ये दूसरों के बारे में है। तूने बोरो किया है बाहर से, तूने उधारा किया है, उधार अच्छा नहीं होता, दुखदाई होता है। ये तमाम डस्ट विचारों की, विकारों की, नेगेटिविटी की जो तूने बाहर से पिरोई है, ये डुअलिटीज की, इनको विदा करने के लिए तुम जागे रहना, तुम केवल देखते रहना। तेरे देखने मात्र से ये सब अपने आप विदा होता चला जाता है। जो जो व्यर्थ है विदा होता है, और जो जो सार्थक है वो स्टे करता है। ये इनर टेक्नोलॉजी, ये आईटी स्वयं वर्क करती है। आप शांत मौन मुदित भाव में बैठे बैठे देखते रहना, मन से हट करके, विचारों से हट करके देखना, केवल देखना। देखना ही अनुभव है, देखना हम सब का स्वभाव है। देखना टेक्निक नहीं है, मेथड नहीं है, स्वाभाविक है। बाहर की दुनिया को बाहर की आंख से देखते हैं, हम भीतर की दुनिया को भीतर की आंख से देखते हैं। हम सबके पास बराबर है थर्ड आई, हम सब स्वयं हैं थर्ड आई, स्वयं हैं शिव नेत्र, हम स्वयं देखने वाले हैं। अपने भीतर जिसने भी देखा वो एक दिन मालोमाल हो गया, आबाद हो गया। मौन पूर्वक देखते रहना, करना कुछ नहीं, केवल देखना, अपनी ओर जागे रहना, देखते रहना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखना, निष्पक्ष होकर के देखना। Om Guruvi Namaha।
नमः ओंकार गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः I'm yours.